दोस्तों इन्फिनिक्स ने एक और फ़ोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है S4 को, जो कि दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी कमाल का है। इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, बैक साइड में आपको 3 कैमरा देखने को मिल जाएंगे। तो कह सकते हैं दोस्तों कि ये फ़ोन बहुत ही कमाल का होने वाला है। लेकिन दोस्तों जिस प्राइस में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है इंडिया में, उसी प्राइस में इंडिया में एक और फ़ोन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है, वो है Realme 3। जी दोस्तों ये भी फ़ोन काफ़ी कमाल का है। तो आज के वीडियो में इन्फिनिक्स S4 और Realme 3 का फुल कंपेरिजन करेंगे और बताएंगे दोनों में से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा फ़ोन वैल्यू मनी रहेगा। अगर आप दोस्तों कंफ्यूजन में हैं कि किस फोन का कैमरा अच्छा देखने को मिलेगा, कौन सा फोन गेमिंग के लिए बेस्ट रहेगा, तो इसके लिए आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट कर। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। तो दोनों फोन का डिजाइन दोस्तों बैक साइड में काफी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों दोनों ही फोन में आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देखने को मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों ग्रेडियंट बैक दिया है जिसके चलते देखने में दोनों ही फोन काफी अच्छे लग रहे हैं। दोनों ही फोन में आपको बैक साइड में ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। अगर फ्रंट की बात करते हैं तो दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगा वाटर ड्रॉप का नॉच, जबकि डिस्प्ले साइज दोस्तों आपको दोनों में देखने को मिलेगा 6.2 इंच की HD+ डिस्प्ले। दोनों में से किसी फोन में आपको फुल HD का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि Realme 3 में आपको Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन देखने को जरूर मिल जाएगा। तो कह सकते हैं दोस्तों कि डिजाइन और डिस्प्ले के मामले में दोनों ही फोन काफी अच्छे रहेंगे। अगर कैमरा की बात करते हैं तो इन्फिनिक्स S4 में आपको देखने को मिल जाएगा बैक साइड में ट्रिपल कैमरा, जो कि पहला कैमरा रहेगा वो रहेगा आपको 13 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर 1.8 रहेगा, और जो दूसरा कैमरा रहेगा वो रहेगा आपको 8 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए रहेगा, और जो तीसरा कैमरा रहेगा वो रहेगा 2 मेगापिक्सल का, जो कि आपको डेप्थ सेंसर के लिए रहेगा। वहीं दोस्तों आपको Realme 3 Pro में आपको बैक साइड में डुअल कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि पहला रहेगा आपको 13 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर 1.8 रहेगा, और जो दूसरा कैमरा रहेगा वो रहेगा 2 मेगापिक्सल का, जो कि डेप्थ एनेबल करने के लिए रहेगा। तो कह सकते हैं दोस्तों कि बैक कैमरा आपको थोड़ा सा बेहतर जरूर देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स S4 में। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, तो Realme 3 में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिसका अपर्चर 2.0 रहेगा। वहीं दोस्तों इन्फिनिक्स S4 में आपको देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिसका अपर्चर 2.0 रहेगा। तो कह सकते हैं दोस्तों कि सेल्फी कैमरा भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स S4 में। लेकिन दोस्तों जो Realme 3 है इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी सेल्फी देखने को जरूर मिलती है। अब बात कर लेते हैं दोनों फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो Realme 3 में देखने को मिलेगा आपको MediaTek का Helio P70 प्रोसेसर, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, रन करता है 2.1 GHz पे, जबकि इन्फिनिक्स S4 में देखने को मिलेगा आपको MediaTek का ही Helio P22 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों ये भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर है लेकिन रन करता है 2 GHz पे। तो कह सकते हैं दोस्तों कि परफॉर्मेंस के हिसाब से काफ़ी यहाँ पे आगे रहेगा Realme 3। अगर आप गेमिंग के लिए कोई फोन ढूंढ रहे हैं इन दोनों में से, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा Realme 3। अब बात कर लेते हैं दोनों फोन के रैम और स्टोरेज के बारे में। तो Realme 3 Pro में आपको देखने को मिल जाएगा 2 वेरिएंट, जो कि पहला रहेगा आपको 3 GB रैम और 32 GB मेमोरी, और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी, जबकि इन्फिनिक्स S4 आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि है 3 GB रैम के साथ में आपको 32 GB की मेमोरी देखने को मिल जाएगी। दोनों ही फोन एंड्रॉइड के 9.0 यानी पाई पे रन करेंगे। अगर बैटरी की बात करते हैं तो 4230 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी Realme 3 में, जबकि इन्फिनिक्स S4 में देखने को मिलेगा आपको 4000 mAh की बैटरी। तो कह सकते हैं दोस्तों कि बैटरी आपको दोनों ही फोन में काफ़ी अच्छी मिल रही है। अगर अदर फीचर की बात करते हैं तो दोनों ही फोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, यानी दोनों ही फोन में आपको 2 SIM और 1 मेमोरी लगा सकते हैं, और दोनों ही फोन में आपको फेस अनलॉक की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। तो अब मेन बात करते हैं दोनों फोन के प्राइस के बारे में। तो जो Realme 3 है दोस्तों इसका जो पहला वेरिएंट है इसका प्राइस रखा गया 8,999 रुपया, और जो सेकंड वेरिएंट है इसका प्राइस रखा गया 10,999 रुपया, जबकि इन्फिनिक्स S4 का दोस्तों यहाँ पे प्राइस रखा गया है 8,999 रुपया। तो कह सकते हैं दोस्तों कि दोनों ही फोन का प्राइस काफ़ी अच्छा रखा गया है। अब मेन बात करते हैं दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट है, कौन सा फोन लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही फोन काफ़ी कमाल के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपको चाहिए एक गेमिंग वाला फोन या चाहिए आपको एक ब्रांड का फोन, तो आप आराम से Realme 3 ले सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा फोन है। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे इन्फिनिक्स S4 है दोस्तों ये भी बहुत ही कमाल का फोन है। इसमें आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको सेल्फी कैमरा वाला फोन चाहिए तो आप आराम से इन्फिनिक्स S4 ले लीजिए, बहुत ही कमाल का फोन है। इसका प्राइस भी दोस्तों बहुत ही अच्छा रखा गया है। आपको दोस्तों दोनों में से कौन सा फोन अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही स्मार्टफोन के अपडेट लाते रहता हूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।